गोड्डा में पहाड़िया जनजाति के बच्चों की मौत के बहाने विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य विभाग पर वार किया है। सांसद का कहना है कि जहां से हेमंत सरकार आपके द्वार का ढिंढोरा पीटने जा रहे हैं, उस इलाके में लगातार आदिवासी बीमारियों से मर रहे हैं, लेकिन इन्हें सुद लेने की फुर्सत नहीं। निशिकांत सुंदर पहाड़ी के दौरे पर जा रहे हैं। यहाँ पूजा करने के बाद सीधा सुंदर पहाड़ी जा रहा हूँ। सुंदर पहाड़ी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का क्षेत्र है। पिछले 10 दिन में लगभग 50 बच्चों की वहां मौत हुई है। लिट्टी पौड़ा में भी आज की जो सूचना है उसके हिसाब से 5-6 लोगों की, वहां भी आदिवासियों की मौत हुई है। आदिवासी परिवार में, आदिम जनजाति आदिवासी परिवार में ये मौत बढ़ रही है और अभी तक तकरीबन 1000 लोग जो है इसके चपेट में आ गए हैं और वो लगातार बढ़ रहा है। जितना स्प्रेड हो रहा है वो मलेरिया है या काला जार है या कोई कोरोना की तरह की नई बीमारी है आदिवासियों के बीच में नहीं पता। आज आप समझिए कि सरकार अपने द्वार में मुख्यमंत्री बरहेट आ रहे हैं, लेकिन उनको ये फुर्सत नहीं है कि अपनी विधानसभा सुंदर पहाड़ी में जो मौत हो रही है उन बच्चों के साथ जाए। ये जो दिखावटी पना है आदिवासियों के साथ, जो एक धोखा है छलावा। सुंदर पहाड़ी प्रखंड के सिंदरी पंचायत की यह घटना, बीमार बच्चों के बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई है। सहयोगी प्रिंस इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रिंस, देखिए बच्चों की मौत हुई, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ और अब प्रशासन शासन सभी की निगाहें सुंदर पहाड़ी के सिंदरी पंचायत पर। क्या कुछ अपडेट फिलहाल बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर? देखिए अभी जो है वहाँ का स्थिति जो है वो अभी कंट्रोल में है और हर घर को वहाँ और हर व्यक्ति को मतलब कि मेडिकल की टीम के द्वारा है जो जांच किया जा रहा है और सभी को सलाह दिया है कि गंदगी से बचे और मच्छरदानी का वहाँ व्यवस्था करवाया जा रहा है और 15-15 टीमें जो है वहाँ मेडिकल कैंप कर रही है और रात दिन वहाँ एक लगातार वहाँ मेडिकल की टीम जो है बरकरार वहाँ जमे हुए हैं और सभी का इलाज किया जा रहा है। जो भी व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की ओर से वो लगातार जारी है और अभी तक स्थिति, अगर हम स्थिति की बात करें तो वही 6-7 बच्चे के बाद जो अभी तक एक भी मौत की खबरें नहीं आई है। हालांकि इस पर जो सिविल सर्जन से कई बार संपर्क करने का भी प्रयास किया, लेकिन जो सिविल सर्जन इस मामले में कुछ भी कहने से वो इनकार गए और वो बात का फोन भी रिसीव नहीं किया और इस मामले को लेकर अब जो है वो राजनीतिक भी शुरू हो गया है और गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे जो हैं आज वो सुंदर पहाड़ी परिजनों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि वो जो क्षेत्र है वो राजमहल लोकसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन निशिकांत दुबे जो हैं आज वो वहां पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार से जानकारी लेंगे और जय जय का जी। चलिए तो अब पहुंचेंगे सांसद वहां पर और पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे, बच्चों का हालचाल भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो